हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एके ऑटो टेक। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हुंडई की न्यू क्रेटा SX टॉप मॉडल, जो आपको कैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर और परफॉर्मेंस में कैसी दिखती है। सो गाइस, वीडियो में आप देख पा रहे होंगे ये हुंडई की क्रेटा टॉप मॉडल SX 2020 मॉडल है, जो आपको कुछ बाहर से इसका एक्सटीरियर ऐसा दिख रहा है। सो, देखने में लुक वाइज गाइस ये काफ़ी अट्रैक्टिव करती है लोगों को, और देख पा रहे होंगे आप ये। चलो आपको कुछ फ्रंट से दिखाते हैं। ये सामने देखो कितनी शानदार दिखती है आगे से। ये हुंडई का लोगो देखो कितना शानदार दिखता है। सो गाइस, काफ़ी अच्छी है ये गाड़ी, कंफर्टेबल भी है। ये आपको प्रोजेक्टर लैंप कितने शानदार दिख रहे हैं। ये देखो बम्पर ग्रिल, ये LED लाइट, हेडलाइट, फॉग लाइट, और यहाँ पर आपको JK के टायर मिलेंगे, वो भी 17 इंच में आपको JK के अलॉय में टायर मिलेंगे। देख पा रहे होंगे आप 17 इंच के अलॉय, और आपको यहाँ पर डबल डिस्क मिलेगी गाइज, आगे भी और पीछे भी डबल डिस्क पैड मिलेंगे। ये देखो डबल डिस्क है यहाँ पर आपको। ये ऊपर जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपको फ्यूल फिलअप कैप है। ये कार गाइज आपको 1.5 लीटर में मैनुअल ट्रांसमिशन के 6 स्पीड वेरिएंट में मिलती है। सो गाइस, देख पा रहे होंगे आप पीछे में आपको रियर एक वाइपर मिल जाएगा, रियर वाइपर, डिफोगर सिस्टम, शार्क एंटीना मिल जाएगा आपको गाइस, और यहाँ पर आपको रियर कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, रियर कैमरा, जिससे आप रियर का अच्छे से नज़ारा, या फिर गाड़ी आप जब रिवर्स कर रहे हैं या पार कर रहे हैं तब भी आप रियर में देख सकते हैं। ये करते हैं हम ट्रंक को ओपन, ये किया, यहाँ पर भी आपको लाइट देखने को मिल जाती है, ताकि रात को आपको सामान निकालने में कोई परेशानी ना हो। ये काफ़ी बहुत बड़ा ट्रंक मिल जाता है आपको, जो 250 के लीटर तकरीबन है। यहाँ पर आपको एक स्पेयर व्हील मिल जाता है, ये स्पेयर व्हील, और यहाँ पर आप कुछ जरूरतमंद सामान जो है, जैसे जैक आ गया, जैक के हैंडल वगैरह, यहाँ पर ये आपको देखने मिल जाता है। तो करते हैं इसके अब ट्रंक को क्लोज़ और दिखाते हैं कुछ और। ये पीछे शानदार, कितनी शानदार, ये लोगो भी कितना शानदार दिख रहा है, और ये सब जो देखो कितना शानदार दिख रहा है। ये नीचे रिवर्स लाइट, टेल लाइट, ये जो हमारा देखने कितना शानदार ये हैंडल है। यहाँ से आप सनेस्ट के लिए इसको पर्दा लगा सकते हैं। सो गाइस, देख पा रहे होंगे आप ये रियर में आपको यहाँ पर बोतल रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ये सीट देख पा रहे होंगे आप, रियर की स्पीड में भी हेडरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो हेडरेस्ट, और साथ में क्या ये स्पीड जो है ये भी एडजस्टेबल है, यानी कि आपको इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। रियर में आपको ये मिल जाएंगे AC वेंट, और यहाँ पर रियर में आपको एक 12 वोल्ट का चार्ज स्पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये देखो काफ़ी कितनी ज़्यादा स्पेस है ये पीछे से भी, और कितनी ज़्यादा काफ़ी। यहाँ पर आपको ये चाइल्ड लॉक मिल जाएगा। चाइल्ड लॉक के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, अगर किसी को नहीं मालूम है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये देखो, ये वन टच करेंगे तो ये गाड़ी हमारी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है गाइस, अब दोबारा से हम वन टच किया तो ये गाड़ी खुल गई। यहाँ पर आपको पेडल लैंप भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, और ये देखो चलते हैं हम स्टीयरिंग के अंदर और आपको दिखाते हैं कुछ गाड़ी के अंदर का नज़ारा आगे। यहाँ पर आपको ये हैंड रेस्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आप सामान रख सकते हैं कुछ। ठीक है गाइस, ये देखो इन सीटों में भी आपको हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और ये देखो यहाँ पर आपको SOS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ब्लू लिंक जैसे फीचर, काफ़ी आपके लिए ये फ़ायदेमंद कार है। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्रूज सिस्टम, ट्रैक्शन कंट्रोल और ब्लू लिंक। ठीक है गाइस, इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा फीचर इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। चलो करते हैं हम गाड़ी को स्टार्ट। ये किया मैंने क्लच को ऑपरेट, और गाड़ी की मैंने स्टार्ट। ये गाड़ी आपको ABS, ये देख पा रहे होंगे आप क्लस्टर मीटर, कितना डिजिटल क्लस्टर मीटर है, जो यहाँ पर हमारा ओडोमीटर भी और RPM मीटर भी, ये कितना देख पा रहे होंगे आप, ये कितना क्लस्टर मीटर जो है वो डिजिटल मीटर है। ये स्टीयरिंग के ऊपर कितने मोड दे रखे हैं, कितने बटन हैं, यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम कर सकते हैं। क्रूज़ के बारे में अगर आपको नहीं मालूम है गाइस, तो इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्रूज़ कंट्रोल कब एक्टिवेट होता है। ये आपको 14 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, LED डिस्प्ले मिल जाएगी। ठीक गाइस, यहाँ पर आपको AC कंट्रोलर मिल जाएंगे, और सबसे बड़ी बात ये जो है कि AC को भी आप यहाँ छोटी सी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
ये सबसे बढ़िया बात है। इसी को भी आप छोटे से स्क्रीन में देख सकते हैं। और ये यहाँ पर आपको ये देखो, यहाँ पर मैंने ये कंट्रोल किया, यहाँ से यहाँ पर डिस्प्ले में, छोटी सी डिस्प्ले में आपको दिख रहा है। और ये भी एसी ऑटो में आपको देखने को मिलेगा। ये देखो एसी वेंट कितने शानदार और कितने ही लुक वाइज में तो काफ़ी अच्छे हैं। ये किया मैंने वन टच। अब दिखाते हैं आपको इसको सनरूफ। तो गाइस सनरूफ दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जो पीछे वाली लाइट है, ये देखो पीछे यहाँ पर भी लाइट दे दी उन्होंने, जहाँ पर पैसेंजर, ये देखो पैसेंजर बैठने के लिए पीछे वाली जगह है, वहाँ पर भी उन्होंने लाइट दे दी। ये काफ़ी अट्रैक्टिव करती है। और ये देखो ये वन टच सनरूफ, और सनरूफ देखो वाव कितना काफ़ी बड़ा सनरूफ है, कितना बड़ा सनरूफ। ये ऐसा लगता है कि पूरी गाड़ी की छत ही खुल गई है। ये मैंने वन टच किया और ये देखो सनरूफ ओपन हो गया और पूरा का पूरा ओपन। ये देखो काफ़ी गाइस, ये जो हमारे पास ये हुंडई की ये क्रेटा कार है, ये काफ़ी ही कंफर्टेबल और परफॉर्मेंस में भी और पिकअप में भी और लुक वाइज में भी काफ़ी ज़्यादा ये लोगों को अट्रैक्टिव कर रही है कार। ये देखो चलो थोड़ा सा मैं बाहर से भी दिखाता हूँ कि ये कैसे सनरूफ आपका ये कैसे ऑपरेट होता है। तो ये हमने किया वन टच सनरूफ, ये आप अंदर से देख पा रहे होंगे। ये मैं ऊपर से दिखाने कोशिश कर रहा हूँ पर अंदर वाला आपको दिख नहीं रहा है, चलो इसके लिए सॉरी। बट अब करता हूँ मैं दूसरा ओपन, जिससे आपको ये सनरूफ करेंगे हम ओपन। ये देखो, और सबसे बड़ी बात गाइस, कुछ आपने नोटिस किया इस वीडियो में, ये आपको जो आगे दिख रहा है, तो दिखाता हूँ मैं आपको इसके बारे में ही बताता हूँ। ये देखो ये जो है यहाँ पर जो जाली लगा रखी है, ये पता क्यों लगा रखी है गाइस? क्योंकि जैसे सनरूफ हमारा खुला है तो आगे से जो धूल मिट्टी आएगी तो वो डायरेक्ट गाड़ी के अंदर ना पड़े, इसलिए ये धूल मिट्टी को डस्ट को बचाने के लिए ये सब जाली लगा रखी है। ये देखो कितनी शानदार और कितनी लुक वाइज में कितनी अच्छी दिखती है। करते हैं इसको बंद वन टच से ही। ये देखो वन टच से हमारा सनरूफ जो है ये क्लोज हो जाएगा। ये देखो कितना शानदार और कितना अच्छा और कितना बड़ा ये हमारा सनरूफ है। ये देखो सो गाइज, वीडियो में आपको बता दूँ कि अगर वीडियो आपको ये पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो डेली वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। और मैं आपको यही बता दूँ कि ये देखो यहाँ पर आपको ये भी कुंडली सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पर भी आप जो सामान रखेंगे वो भी आपका सामान जो कूर रहेगा। ये देखो कितना शानदार है, डैशबोर्ड के अंदर जो सामान रखोगे वो काफ़ी कूल रहेगा। ठीक है, ये मैंने किया इसको बंद, ये किया मैंने ऑन। चलो दिखाते हैं ये आपके, देखो ऑन होने के बाद ये कैसी लुक देती है, और इसकी आप लाइटें भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये किया मैंने, जैसे मैं रिवर्स गियर डाल रहा हूँ तो ये देखो रिवर्स गियर डाला तो पीछे जो ये कैमरा हमारा ऑपरेट हो गया, पिछला कैमरा देखो ये। अब मैंने ये, आप चाहते हैं कि आप थर्ड फोर्थ गियर में चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं और मैंने पीछे का व्यू देखना है, रियर व्यू देखना है, तो इसके लिए भी ये आपने जैसे देखो यहाँ पर जैसे ये है हमारा फर्स्ट सेकंड, ये सिक्स स्पीड में मिलती है आपको, ये तो मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, ये आ गया आपका हैजर्ड लाइट। हैजर्ड लाइट का भी कितना शानदार दे रखा है, यहाँ से आप वाइपर कंट्रोल कर सकते हैं। ये रियर वाइपर के लिए आ गया, ये फ्रंट वाइपर के लिए आ गया। यहाँ से आप लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, लाइट भी आपको ऑटो में मिल जाती है गाइस। जैसे सनलाइट पड़ेगी वैसे अपने आप ये लाइट जो है कम हो जाएगी, जैसे अंधेरा होगा तो अपने आप ये लाइट जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे कितनी शानदार और कितनी वाइट लाइट जो है कितनी ही शानदार दिख रही हैं। ये देखो एसी वेंट ड्राइव साइड भी कितना शानदार और लुक वाइज में कितना ये, और यहाँ पर भी आपको ये स्पीकर देखने को मिल जाएगा इस साइड भी, और यहाँ पर आपको ये नीचे भी आपको बोस के स्पीकर बढ़िया कंपनी के, इसमें आपको स्पीकर देखने को मिल जाएंगे। ये देखो गाइस यहाँ पर आपको ये वायरलेस चार्जर सिस्टम मिल जाएगा, और यहाँ पर ये आपको 12 वोल्ट का अलग से चार्जर पॉइंट मिल जाएगा। यहीं से आप डायरेक्ट ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए, यहाँ से आप लाइट को अप और डाउन कर सकते हैं। ये गाइस देख पा रहे होंगे आप, देखो यहाँ पर आपको एक मिरर मिल जाएगा छोटा सा, जिसमें साथ बैठा पैसेंजर अपना चेहरा वेरा देख सकता है। तो देखो अब मैंने इसके बारे में बताता हूँ, सॉरी मैंने पीछे मिस कर दिया था। जैसे ये है, ये मैंने रिवर्स गियर डाला, इसका व्यू दिख रहा है, बट मैंने जैसे सेकंड गियर डाला या थर्ड या फोर्थ, तो मैं इसको प्रेस करूँगा तो हमारी गाड़ी आगे चल रही है, बट हम पीछे का रियर व्यू मिरर से रियर का व्यू देख सकते हैं।
ठीक है गाइस, क्योंकि इसमें रियर जो कैमरा लगा ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। आप चाहे तो इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं यहीं से ही। वन टच से किया, वन टच से आपने ये डीएक्टिवेट कर दिया। और यहाँ पर जो आपकी ये स्क्रीन है एलईडी, जो हमारे पास 14 इंच की एलईडी डिस्प्ले है, ये गाइस ये काफ़ी आपको अट्रैक्टिव करेगी, क्योंकि इसमें आप एक ही टाइम पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब आप एक डिस्प्ले पे तीन डिस्प्ले चला सकते हैं, एक छोटी 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 सी तीन डिस्प्ले चला सकते हैं। कहीं आप वीडियो देख सकते हैं, कहीं गाना सुन सकते हैं, तो कहीं आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जैसा कि आपने मैप वगैरह निकाल रखा है तो वो सब आप देख सकते हैं। ये देखो कितनी शानदार और कितनी गाइस ये अच्छी दिख रही है आपको ये कार। चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको कैसे आप तीन डिस्प्ले, ये देखो ये तीन डिस्प्ले हमारे पास खुल के आ गई है। ये देखो कितनी शानदार है ये, सबसे बढ़िया बात गाइस ये देखो कितनी शानदार और कितनी अच्छी है ये। देखो यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया बात है ब्लू लिंक, ब्लू लिंक का बहुत ही फ़ायदा है गाइस। अगर ब्लू लिंक के बारे में किसी को नहीं मालूम है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो ये छोटी सी डिस्प्ले, जहाँ जैसे आप मोड को कंट्रोल करोगे तो ये छोटी सी डिस्प्ले में आपको ये सब शो हो जाएगा कि आपको एसी किस मोड पे है, आपका एसी किस मोड पे है, डिफोगर पे है या आपका फ्रंट पे है। ये देखो यहाँ से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं गाइस, ये देखो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और ये सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सीट को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जैसे आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखो इसको मूव कर सकते हैं, काफ़ी शानदार। ये देखो यहाँ पर आपको ये बॉक्स मिल जाएगा, फ्यूज़ बॉक्स। इसके लिए हमें इस कवर को निकालते हैं और दिखाते हैं। ये देखो गाइस ये दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ, सॉरी। ये अब आपको फ्यूज़ बॉक्स दिख रहा है और साथ में ये कनेक्टर दिख रहा है जहाँ से आप गाड़ी को कनेक्ट कर सकते हैं। यहीं से आप वन टच से ही आप ये ऑपरेट कर सकते हैं ग्लास को। और ये देखो ड्राइव साइड से सब कुछ आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो गाइस ये थी हमारे पास हुंडई की जो क्रेटा कार है, जो काफ़ी शानदार, जो मैंने आपको इसका इंटीरियर भी दिखा दिया, एक्सटीरियर भी दिखा दिया। और ठीक गाइस ये देखो यहाँ पर आपको ये सेंसर मिल जाएंगे, क्योंकि जब आप गाड़ी रिवर्स करोगे तो कहीं गाड़ी आपकी लगे ना, इसके लिए ये सेंसर लगाए हैं जो अंदर बजर कर देते हैं, खुद ब खुद ये बजर कर देते हैं। ये देखो ये काफ़ी ही अच्छी, और स्पेस की बात करें तो काफ़ी स्पेस है नीचे से भी, क्योंकि गाड़ी नीचे लगने का खतरा रहता है पहाड़ी इलाकों में, और ये काफ़ी स्पेस से बनाया गया है इस गाड़ी को। काफ़ी शानदार लुक वाइज में भी, और वाइट कलर तो सबसे बढ़िया गाइस, क्योंकि ये कलर तो बहुत ही पसंद है। चलो दिखाते हैं अभी इसका इंजन डिपार्टमेंट भी, क्योंकि सब कुछ दिखा दिया, इंटीरियर दिखा दिया, एक्सटीरियर दिखा दिया, तो इंजन डिपार्टमेंट भी दिखाना हमें ज़रूरी है। तो ये देखो गाइस कितना शानदार, ये आगे से भी ये देखो इसका इंजन जो 1.5 में है। दिखाते हैं अभी इसकी स्मार्ट की, सब कुछ दिखा दिया तो स्मार्ट की कैसे ना दिखाएं। ये हमारे पास स्मार्ट की, इसको मैं रखता हूँ। इसमें आपको चार मोड मिल जाएंगे, अनलॉक, लॉक, होल्ड और हुड को ओपन करने के लिए। ठीक है गाइस ये देखो ये हमारी स्मार्ट की है। सो गाइस इस कार के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, अगर कुछ आपको और जानना हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताएं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो से कुछ भी नॉलेज गेन हुआ हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। सो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।